देखिए, आज हम पढ़ेंगे नोटपैड के बारे में कि नोटपैड होता क्या है और काम कैसे करता है और कैसे इसके मेन्यू को आप ऑपरेट कर सकते हो। सबसे पहले जैसे आप नोटपैड ओपन करते हो तो एक स्पेशल बात बता देना चाहता हूँ कि इसको यदि फुल स्क्रीन पे करना है तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपका यह होता है टाइटल बार, जिसमें अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा रहता है। इसी टाइटल बार में तीन अदर ऑप्शन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। तो हम यहाँ से इसको मैक्सिमाइज करेंगे। जैसे हम मैक्सिमाइज करते हैं ये फुल स्क्रीन पे हो जाता है। अब नोटपैड की बात करें तो नोटपैड केवल एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। इसमें आप अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो, केवल टेक्स्ट का ही काम करेगा। इसमें अदर ऑब्जेक्ट यानी कि पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट वगैरह आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, केवल ये टेक्स्ट प्रोग्राम है। इसमें आप केवल टाइपिंग का काम कर सकते हो टेक्स्ट का। अब यदि इसके मेन्यू की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा फाइल मेन्यू होता है। फाइल मेन्यू में कुछ ऑप्शन होते हैं, न्यू, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव अस, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। तो इनका उपयोग मैं आपको बताऊंगा कि न्यू का अर्थ देखो, न्यू का अर्थ ये होता है बिना नोटपैड काटे आप फिर से नोटपैड का नया पेज ओपन करना। ठीक है, जैसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं, यदि आपने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये आपसे बोल देगा कि जिसको आपने अभी तक टाइटल नहीं दिया गया, डू यू वॉन्ट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, क्या आप इसे सेव करना चाहते हो। यदि सेव करना चाहते हो तो हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, और सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे। यदि बाय मिस्टेक क्लिक होगा तो हम कैंसिल कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको डोंट सेव करते हैं, सेव करना मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ से हम डोंट सेव कर देते हैं। देखिए, जो भी आपने लिखा था वो सारा का सारा हट गया और बिल्कुल फ्रेश नया नोटपैड आपके सामने ओपन हो गया। इसके बाद बात करें तो हम यहाँ से ओपन की, ठीक है, न्यू विंडो यानी कि एक और नया नोटपैड ओपन करना, ये नया फीचर है। ठीक है, तो ये होता है एक और नया नोटपैड ओपन करना। तो इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं, यहाँ से प्रोग्राम को बंद करना होता है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद बात करें ओपन की, तो ओपन के लिए आपके पास पहले से कोई सी टेक्स्ट फाइल होना चाहिए। जो इसका इसका एक्सटेंशन होता है वो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, .txt। यदि हम यहाँ से ओपन करते हैं तो हमारे पास अभी तक कोई सी फाइल ऐसी बनाई हुई नहीं है। सबसे पहले तो हमें फाइल को सेव करना होगा। जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया। अब इसे मैं सेव करूँगा। पहले सेव कैसे करना है, सेव पे आपको क्लिक कर देना है, और जो फाइल नेम यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे आपको फाइल का नेम इनपुट करना है, जो लिखा है इसको बैक स्पेस से मिटा देना है। फाइल का नेम लिख देंगे हम, हमने यहाँ पे फाइल का नेम दे दिया है। और जो सेव अस टाइप है यानी कि सेव अस टाइप में ये होता है कि आप इसे किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। तो देखिए, नोटपैड में केवल आपका एक ही फॉर्मेट अलाउ होता है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से होता है, जिसे जिसका एक्सटेंशन .txt होता है। एक प्रकार से एक्सटेंशन बोला जाए तो फॉर्मेट फॉर्मेट यानी जैसे कि हमारे बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, MP3, MP4, PDF, डॉक, एक्सेल, ये सारे के सारे हमारे फॉर्मेट होते हैं कि हम फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ से केवल हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे हमें ओके कर देना है। तो ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब इस बात का पता कैसे करेंगे कि फाइल सेव हो गई है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ टाइटल बार में आपकी फाइल का नेम इनपुट हो जाएगा यानी कि वो शो होने लग जाएगा। यदि फाइल आपकी सेव नहीं है तो आपका यहाँ पे अनटाइटल्ड ही रहेगा, और यदि आपने उस फाइल को अनटाइटल्ड नाम से ही सेव किया है तो यहाँ पे वो भी फिर भी आपको वही शो होगा। इसके बाद यदि हम न्यू यहाँ पे नया नोटपैड ओपन करते हैं, यानी न्यू बिल्कुल फ्रेश न्यू करते हैं एंड ओपन, तो यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि आप ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले तो उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि आपने जो फाइल सेव की है उस फाइल को आपने कहाँ पर या कौन सी लोकेशन पर सेव की। जैसे कि मैंने जो फाइल सेव की थी वो डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन पे की थी, तो यहाँ पे ये फाइल आ रही है। तो सेव करते वक्त ही आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपने फाइल कहाँ पे सेव की है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओपन वाली कमांड दे देता हूँ, तो ये फाइल अपनी ओपन हो जाती है। इसके बाद बात करें तो सेव अस, देखो सेव अस
फाइल का जो सेव एस ऑप्शन है इसका उपयोग भी उसी प्रकार से होता है, केवल जैसे ही अब मैंने यहाँ पे जो भी दिया जो भी लिखा इसमें थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइप किया और इसको मैं सेव एज कर देता हूँ। तो जो पहले सेव की थी फाइल उस फाइल के नाम से थोड़ा सा हटके नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे उसको वन ऐड कर देता हूँ एंड सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने जैसे ही सेव की तो देखो इसको ओपन करते तो आपके सामने दोनों फाइल ही रहेगी, जो पहले सेव थी वो भी रहेगी और जो अभी सेव की वो भी रहेगी। सिर्फ इतना सा अंतर होगा कि पहले वाली फाइल में हमने जो करेक्शन किया था वो नहीं आएगा और सेकंड वाली फाइल में जो हमने करेक्शन करने के बाद सेव बस की थी वो आ जाएगी। उसके बाद अगला आता हमारा पेज सेटअप, यानी यदि यहीं से आप प्रिंटर निकालना चाहते हो तो इसका पेज सेटअप जरूरी है। तो हम यहाँ से पेज सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जो पेपर का साइज है, ठीक है, जो भी आप पेपर का साइज में प्रिंट निकालना चाहते हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ से मैं A4 साइज सिलेक्ट करता हूँ, A4 साइज को सिलेक्ट किया। अब देखिए ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन होते हैं, ओरिएंटेशन जो ऑप्शन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। देखिए यहाँ पे जो प्रीव्यू है इसमें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, पोर्ट्रेट में आपका सीधा पेज होगा और लैंडस्केप में आपका आड़ा पेज होगा। इसे उल्टा नहीं बोल सकते, उल्टा यदि बोलेंगे तो उल्टी पूरा ही वर्ड उल्टा लिखाएगा, लेकिन यहाँ से पोर्ट्रेट सीधा पेज एंड लैंडस्केप आड़ा पेज अपना रहेगा। इसके बाद बात करें मार्जिन्स, तो मार्जिन्स आपकी एमएम में आती है यानी मिलीमीटर में आती है, यानी कि चारों तरफ प्रिंट के या पेज के चारों तरफ आपको कितना कितना मार्जिन्स छोड़ना है। जैसे लेफ्ट साइड यदि हम 0.5 छोड़ें तो ये आपका बिल्कुल नज़दीकी रहेगा। इसके बाद राइट साइड यदि 1 कर दें तो थोड़ा सा हल्का सा दूर होगा और टॉप साइड यदि हम इसको 15 कर दें थोड़ा सा दूर होगा। ये अपने अनुसार सेटअप कर लेना है, पर बाकी मार्जिन्स करती होता है कि चारों तरफ कितना कितना गैप छोड़ना है, उसके बाद ही प्रिंट एरिया सेटअप होगा। इसके बाद बात करें तो हेडर एंड फुटर, यानी कि आप जब प्रिंट निकालो तो प्रिंट के ऊपर क्या आपको प्रिंट होके आना चाहिए और फुटर यानी प्रिंट के नीचे क्या आपको प्रिंट होके आना चाहिए। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के वीडियो भी देख सकते हो और यहाँ से ओके कर दें। यहाँ पे कोई भी प्रीव्यू या कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, केवल आप जब यहाँ से प्रिंट निकालोगे तभी आपका वो यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा, उस पेज में ही आपका इफेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जिट। तो देखो एग्जिट एंड क्लोज दोनों का अर्थ एक ही होता है कि इस प्रोग्राम से बाहर निकलना या इस प्रोग्राम को बंद करना। तो हम यहाँ से भी इसको एग्जिट करेंगे तो इस प्रोग्राम ये क्लोज का काम करेगा। ठीक है, आप उपयोग करके देख सकते हो। इसके बाद एडिट मेन्यू की बात करें तो एडिट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन होता है अंडू। ठीक है, अब आप इनके शॉर्टकट भी देख सकते हो, जैसे कि फाइल मेन्यू में न्यू का शॉर्टकट, न्यू विंडो का शॉर्टकट और ओपन सेव सेव अस प्रिंट, ये शॉर्टकट है। इनका शॉर्टकट Ctrl+N, Ctrl+Shift+N, Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+Shift+S, Ctrl+P। एग्जिट का शॉर्टकट हमारा अल्ट के साथ F4 भी आप प्रेस कर सकते हो, इससे भी आप इस प्रोग्राम से बाहर चले जाओगे। इसके बाद आता है आपका एडिट मेन्यू। देखिए एडिट मेन्यू सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अंडू, अंडू का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ जेड, यानी कि हम यदि कोई सा भी करेक्शन करते हैं ये बाय मिस्टेक हो गए, ठीक है, तो हम यहाँ से इसको अंडू कर देंगे तो एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, यानी कंप्यूटर हमारी एक गलती माफ कर देता है। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है कट कॉपी। देखो कट या कॉपी करने के लिए हमें सिलेक्ट करना होगा किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट वाला वर्क है तो हम यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, देखो आप टेक्स्ट को कीबोर्ड या माउस दोनों की मदद से सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले माउस की मदद से देखेंगे, जहाँ पे आपका कर्जर है उस कर्जर को प्रेस करके रखना है आपको, माउस के बटन को दबा के रखना है लेफ्ट वाले को और उसको थोड़ा सा विपरीत साइड पे ले जाना है, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जब आपका ये सिलेक्ट होगा तभी ये उपयोग आपका ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे, जैसे कि अब यहाँ से हमने कट किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे हट गया है। यदि आप चाहो तो इसको और भी यदि कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, ठीक, ये लिखने के बाद अब कट की हुई चीज़ को यहाँ पे रखना है, यानी यहाँ पे पेस्ट करना है। तो एडिट मेन्यू में ही हमारा यहाँ पे पेस्ट होता है, पेस्ट का शॉर्टकट Ctrl+V है, हम इसे पेस्ट कर देंगे।
तो कट में वहां से हटाकर हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे, यदि आवश्यकता हो तो पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारा अगला आता है कॉपी। देखो कट और कॉपी में आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, पहले हमने माउस की मदद सेलेक्ट किया था, अब कीबोर्ड की मदद सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा कर्सर एंड में है, ठीक है, तो शिफ्ट के बटन को दबाना है एंड आपको लेफ्ट साइड वाला एरो दबाना है। जितना बार आप दबाओगे उतने ही लेटर आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, कॉपी कर दिया। अब जैसे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा और यहाँ पे पेस्ट वाले की को दबा देना, या फिर आप जैसे यहीं पे हम पेस्ट करते हैं तो आप कंट्रोल वी के साथ भी इसे पेस्ट कर सकते, कितनी ही बार पेस्ट कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कॉपी किया तो एक बार ही आप पेस्ट कर दे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका डिलीट। तो देखो डिलीट का भी यही होगा, जब आप सिलेक्ट करोगे तो सारे के सारे को डिलीट करने हैं, तो एक साथ डिलीट कर सकते हो। यदि आप क्या हाथ से बाय मिस्टेक हो गया डिलीट, तो यहाँ से हम इसे अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो फिर से आ जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ से फाइंड, यानी कि इस पूरी फाइल में से कुछ खोजना, तो यहाँ से फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइंड व्हाट, यानी आपको क्या खोजना है, तो हमें जैसे कि इंफॉर्मेशन खोजना है, ठीक है, हमारे पास पहले से कॉपी था उसको हमने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले बात करें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपके जो कर्जर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्जर को यहाँ एंड पे रख दिया है, तो डायरेक्शन अप करना, क्योंकि सर्च करते हुए वो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करना है, फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट, जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन होगा वो सारा का सारा बता देगा, ठीक है, जो भी वर्ड आप यहाँ पे लिखोगे वो सारे वर्ड आपको फाइंड करके शो करा देगा। जब वो एंड में आ जाएगा तो कैन नॉट फाइंड इन्फॉर्मेशन, यानी ये वाला वर्ड और अधिक नहीं है, ये खोज नहीं सकता, ठीक है, तो फाइंड करते होता है खोजने के लिए। उसके बाद इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अगला आता है हमारा फाइंड नेस्ट, तो फाइंड नेस्ट वही है जो हम यहाँ से फाइंड वाले ऑप्शन पे से क्लिक कर रहे थे, ये फाइंड नेस्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, अभी वो फाइंड नहीं करेगा, ठीक है, फाइंड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से उसको लोकेशन देनी होगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ से फाइंड नेस्ट की लोकेशन दोगे तो ये आपका काम करने लग जाएगा, लेकिन बेहतर होगा कि हम यहीं से इसको फाइंड नेस्ट करें। इसके बाद फाइंड प्रीवियस, यानी कि पिछला खोजने के लिए, ठीक है, एक तो फाइंड नेक्स्ट यानी अगला खोजने के लिए, एक पिछला खोजने के लिए, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे फाइंड से मिलकर बना है। एक अगला आता है अपना रिप्लेस। देखिए रिप्लेस, रिप्लेस में आपको लिखना है फाइंड पार्ट की जगह पे कि कौन सा वर्ड आपको रिप्लेस करना है। उसके बाद रिप्लेस विद इंफॉर्मेशन की जगह पे क्या आपको लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से टेक लिख गया और हमने फाइंड नेक्स्ट, ठीक है, फाइंड नेक्स्ट हमारा कर्जर की पोजीशन से होगा, फाइंड नेक्स्ट किया, यदि इसको रिप्लेस करना है तो हम यहाँ से रिप्लेस वाले ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि अब इस इन्फॉर्मेशन वाले को छोड़ना है तो फाइंड नेक्स्ट कर देंगे तो छूट जाएगा, लेकिन यदि इसे रिप्लेस करना है तो हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आता है अपना, यदि इसको वापस से रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर देंगे, यदि जहाँ पर भी आपको कुछ फाइल में इन्फॉर्मेशन है उसको रिप्लेस करना तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो अब इस फाइल में इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं बचा है, ठीक है। ये हमने फाइंड वर्ड में इंफॉर्मेशन लिखा, रिप्लेस विद में टैग लिखा, तो जो इंफॉर्मेशन वाला सारा हट गया है केवल टैग वाला ही ऑप्शन बचा है। इसके बाद हम कर देंगे इसे कैंसिल। उसके बाद आता है आपका गो टू। गो टू का अर्थ होता है लाइन नंबर जाने, लाइन पे जाने के लिए, जैसे हमारे पास 1 2 3 लाइन है, यदि और भी अधिक लाइन हो हजारों की संख्या में तो हम वहां से जा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ एंड गो टू कर देता हूँ। देखो ये लाइन नंबर 2 पे मैं आ गया, ठीक है, स्पेस देकर मैंने बताया। इसके बाद बात करें सिलेक्ट ऑल, यानी पूरा एक साथ सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, इनका शॉर्टकट्स भी देख लेना है। उसके बाद हमें सिलेक्ट को हटाना है तो एक तरफ क्लिक करना है और यहाँ से डेट एंड टाइम, तो जो आपका डेट एंड टाइम प्रेजेंट में हो रहा है वो इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें फॉर्मेट टैब की, देखो सबसे पहले आता है वर्ड रैप, तो वर्ड रैप में जैसे कि यदि आप कुछ ये हमने कॉपी किया था पेस्ट कर दिया, ठीक है, अब वर्ड रैप हमारा यहाँ से डिसएक्टिव है, डीएक्टिव है, यदि आप इसे एक्टिव करते हो तो केवल और केवल आपके जो भी वर्ड है वो आपके नोटपैड के विंडो में ही शो होंगे, नोटपैड से अदर नहीं जाएंगे। और यदि आपका वर्ड रैप यहाँ से डिसएक्टिव है तो आपका पूरी लाइनिंग यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से स्क्रॉल करके देखते हैं, ये पूरी एक लाइन में चली जाएगी, जब तक आप इसे एंटर नहीं दोगे ये नीचे की लाइन में नहीं आएगी, ठीक है, इसे एंटर दोगे तभी ये नीचे की लाइन में आएगी, लेकिन वर्ड रैप वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है,
वर्ड रैप में जितना आपका नोटपैड का विंडो ओपन होगा उतनी जगह पे ये शो हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम तो यहाँ से फॉन्ट, देखो फॉन्ट आपके इसमें बहुत प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि किस फॉन्ट में आपको लिखना है, तो ये आपका फॉन्ट फैमिली है, ये फॉन्ट स्टाइल है, ये फॉन्ट साइज है, ठीक है। यहाँ से कोई से भी फॉन्ट आप थोड़ा सा इस स्क्रॉल करके नीचे की तरफ भी ला सकते हो, कोई सी फॉन्ट ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसको स्क्रॉल बार को पकड़ कर भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से फॉन्ट ले ली, अब इसमें अलग अलग स्टाइल दी गई, रेगुलर, बोल्ड, या गहरा करना, या नॉर्मल रखना, यहाँ से वो साइज दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई सी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपको साइज को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देंगे, तो ये आपकी वो साइज और फॉन्ट दोनों चेंज हो जाएगी। अब व्यू वाले ऑप्शन पे देखो, यदि आपका न्यू नोटपैड होगा तो जूम वाला ऑप्शन आएगा, नहीं तो केवल और केवल स्टेटस बार का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से जैसे जूम, यानी कि ये जो आपका पेज है या नोटपैड ओपन, इसका विंडो के पिक्सल आपको कितना जूम करके देखना है। जैसे जूम इन कर देंगे थोड़ा सा ये पास आ जाएगा, और यदि इसको जूम आउट करेंगे तो थोड़ा सा दूर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है स्टेटस बार, जैसे अभी ये यहाँ पे राइट लगा है, स्टेटस बार यहाँ पे नीचे की तरफ होता है, जो केवल हमारे जूम, जैसे जूम आउट करते हैं तो यहाँ पे जूमिंग को बताएगा, और यहाँ पे आपके कर्जर की पोजिशन को बताएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ कर्जर की पोजिशन, यानी कि आपका कर्जर लाइन नंबर वन के कॉलम नंबर वन में, यदि हम इसको यहाँ एंड पे क्लिक करते हैं तो लाइन नंबर फाइव के कॉलम नंबर 21 में, ठीक है। और इसकी जूमिंग की बात करें तो यहाँ पे 190% जूमिंग है। इसके बाद यदि आप यहाँ से इस स्टेटस बार को हटा देते हो तो नीचे की तरफ स्टेटस बार शो नहीं होगा। इसके बाद यदि हेल्प की बात करें तो व्यू हेल्प, ठीक है, व्यू हेल्प में यदि हम जाते हैं तो ये इंटरनेट की मदद से शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम क्रोम पे यदि जाते हैं तो यहाँ पे आपका पूरा पूरा वो शो हो जाएगा कि नोटपैड की मदद से आप कैसे क्या उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हो सकता है आप ओल्ड नोटपैड यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहीं पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप पूरी जानकारी पता हो जाएगी। अब जैसे अबाउट नोटपैड, नोटपैड के बारे में जानना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विंडो 10, जैसे मेरे कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप में विंडो 10 डला हुआ है, तो विंडो 10 बता दिया है, और जो भी आपका ये विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज, ये इसके बारे में, नोटपैड के बारे में बता देगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। एक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आगे और भी कंप्यूटर से रिलेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।